और बताइए और जो भी इससे पहले 8 नंबर का क्वेश्चन 8 7 6 5 4 3 2 1 नहीं देखे हैं और डिस्क्रिप्शन में तो नहीं देंगे और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाकर के देखिए। और पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो वहां जाकर के देखिए और ज्यादा बात नहीं करेंगे और मेन टॉपिक पे आते हैं। आज जो हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति का 8.1 का 9 नंबर सवाल, और 9 नंबर इस तरह सवाल हम अच्छी तरीका से बेसिक से करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल देखो 9 नंबर का 8.1 का 9 नंबर का सवाल है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्या कहा है सवाल, सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण एंगल बी समकोण है, तो यदि इफ टेन ए बराबर 1/√3 तो कह रहा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, अगर का वैल्यू ज्ञात करने का रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पर दिया हो वो सवाल जिसका मान ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। एक नंबर में साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब देखो दूसरा में दिया हुआ है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन ए, ये दिया हुआ है और आसानी से ये बन जाएगा। सबसे पहले हमको ये दिया हुआ है टेन ए बराबर 1/3, यहाँ पर क्या कर रहा है सवाल है जिसका कोण भी समकोण है, इस पे ध्यान देना, कोण भी एक समकोण है। अब देखो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं तब अच्छी तरीका से पता चल जाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो कोण भी क्या कह रहा है समकोण है, 90 डिग्री बराबर एक समकोण होता है और ए इसका नाम और इसका सी दे देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ टेन ए कह रहा है, अब देखो ए के आमने सामने की भुजा क्या कह रहा था परपेंडिकुलर, जिसको कहते हैं हिंदी में लंब। अब देखो ए के आमने सामने की भुजा लंब, अब देखो लंब क्या हो जाएगा, अब देखो लंब क्या हो जाएगा टेन थीटा और लंब बटा आधार होता है, क्या टेन थीटा और लंब बटा आधार, तो लंब कितना है यहाँ लंब इसको मान लेते हैं आधार इसको मान लेते हैं, तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा √3, ये समझ में आया। अब देखो ये एसी बचा, क्या एसी बच रहा है तो एसी निकालेंगे। अब देखो एसी निकालेंगे यहां से, ठीक है, एसी स्क्वायर बराबर, अब देखो एसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो एसी जो है जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। अब देखो एबी का मान हमको पता है, एबी कितना है √3 है। अब देखो स्क्वायर भी है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर देखना है बीसी कितना है, बीसी यहाँ 1 रखा है तो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 1 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना, अब देखो √3 है, √3 का स्क्वायर होता है 3 होता है, ठीक है। अब देखो प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। अब देखो 3 1 कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 आ गया। अब देखो यहाँ पर 4 का वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। अब देखो हमको एसी पता चल गया, हाइपोटेनियस पता चल गया, कर्ण हमको पता चल गया 2 आया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो आसानी से ये हल हो जाएगा, ये एक में और दूसरा में दिया हुआ आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना, अब देखो साइन ए है, अब देखो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब देखो लंब ये हो जाएगा कर्ण ही हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अब साइन ए का मान क्या है 1/a, लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लेक्शन है तो मल्टीप्लेक्शन देंगे। अब देखो कॉस सी, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण बेस बाय हाइपोटेनियस, आधार क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आधार, आधार बटे कर्ण √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब देखो प्लस है तो यहाँ प्लस, अब यहाँ पर देखो कॉस ए है, कॉस ए है ना तो इंटू साइन सी है। अब देखो कॉस ए, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना सॉरी, अब देखो कॉस सी कह रहा है, अब देखो कॉस सी कह रहा है तो ये अब देखो बदलना है, यहाँ पर हम गलत कर दिया है और यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो कॉस सी, ये ध्यान देते हुए जाना है। अब देखो कॉस सी क्या कर, कॉस थीटा और आधार बटा कर्ण, इसके आमने सामने भुजा ये लंब हो जाएगा। अब देखो ये आधार, आधार बटा कर्ण, कर्ण कभी बदलता नहीं है, आधार बटा कर्ण हो जाएगा 1/2 हो गया,
क्या 1/2 पेंसिल भी और आ गया है, दो पेंसिल 1/2 है तो हो गया। तो अब तो को प्लस है, अब तो को कॉस ए, अब तो को कॉस ए पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, कॉस थीटा पर आधार बटे ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण √3/2 हो जाएगा, यहाँ पर होगा √3/2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है √3/2। अब देखो इनटू है तो इनटू मतलब गुना है, साइन सी, अब देखो ये पूछ रहा है साइन थीटा पर लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, अब देखो साइन सी के अब देखो ये पूछ रहा है इसके आमने सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा और √3/2 हो जाएगा, अब देखो √3/2 हो गया तो ऐसे कर देंगे, तो कुछ नहीं है बस थोड़ा सोचना होगा और समझना होगा और आपको फॉर्मूला अच्छी तरीका से रटना होगा, ठीक है। रटना तो नहीं होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल ये हम बता दिए हैं और पार्ट वन में जाइए आपको मिलेगा वीडियो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हल करना है, अब देखो 1 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 होगा, अब देखो 2 × 2 = 4 तो बटे 1/4 आ गया, अब देखो प्लस है तो यहाँ प्लस कर देते हैं, अब देखो √3 3 × 3 = 9, अब देखो √3 का वर्गमूल √9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, तो 3/2 × 4 तो इस तरह कर देना, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो 1/4, अब देखो इसका एलसीएम लो, अब देखो एलसीएम 4 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो अब यहाँ पर देखना है 4 × 4 क्या हो रहा है एक बार में, अब देखो 1 × 1 क्या हो रहा है 1 हो रहा है, अब देखो प्लस 4 × 4 एक बार में, 1 × 3 करेंगे, अब देखो नीचे नीचे वाला से डिवाइड देता है भाग देता है ऊपर वाला से मल्टीप्लिकेशन करता है गुना करता है, समझ में आ रहा है। अब देखो 3 × 1 होगा क्या, कितना होगा 4, अब देखो 4 × 4 क्या आ जाएगा कट जाएगा तो 1 आ गया, तो क्या आया 1 आया, कितना आया तो 1 आया। अब यहाँ पर क्या करना है दूसरा नंबर में, ये कितना आया 1 आया, तो ये कितना आता है वो देखेंगे, या तो आपसे बन जाएगा और अच्छी तरीका से वैसे भी हम बना देते हैं, ठीक है, देखते हैं ये अच्छी तरीका से, अब देखो ये मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा दें कि नहीं मिटा, अब देखो ये तो रहने देते हैं, कहीं दिक्कत हो सकता हो जाएगा, ठीक है, अब देखो ये रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखो दूसरा नंबर ये मिटा देते, ये तो बन गया, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे साथ लीजिए, जो कि हम भी रहेंगे देखते रहिएगा, ठीक है, अब ले लिए और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और कहीं दिक्कत नहीं होगा, ये इसका 1 × 1 निकल के आया। अब देखो यहाँ पर अब दूसरा नंबर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, अब देखो दूसरा नंबर में क्या कर रहा है कॉस ए है, क्या कॉस ए है, कॉस ए का मान क्या है, ये मिटा देते हैं पूरा, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, डिलीट कर दिए, अब दूसरा नंबर बचा, अब देखो कॉस ए, अब देखो कॉस ए कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, अब लेकिन ये भी देखना एंगल ए है कि बी है कि सी है, ठीक है, अब देखो कॉस आधार बटे कर्ण तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, अब देखो वहां पर गुना है तो गुना कर देंगे, अब देखो यहाँ कॉस सी है, अब देखो ये सी पूछ रहा है, ये कौन पूछ रहा है, अब देखो कॉस सी कॉस थीटा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण आधार बेस बाय हाइपोटेनियस तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्या 1/2, अब देखो यहाँ पर माइनस है, अब देखो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, क्या माइनस लगा दिए, अब यहाँ पर देखना साइन ए है, साइन थीटा पर लंब बटे कर्ण है, ए पूछ रहा है ये लंब हो जाएगा ये आधार हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है, अब देखो साइन ए पूछ रहा है साइन थीटा पर लंब बटे कर्ण होता है, अब देखो लंब बटे कर्ण होता है ये हो जाएगा क्या लंब बटे कर्ण, अब देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे, ठीक है, अब देखो 1/2 हो गया, अब देखो गुना है तो गुना कर देते हैं, ठीक है, अब देखो साइन ए, अब देखो साइन ए, लेकिन देख लेना सवाल में साइन ए की साइन बी है, ठीक है, साइन ए पर ही बना देते हैं, ठीक है, अब देखो साइन ए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, अब देखो वही हो जाएगा लंब बटे कर्ण होगा, ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो ये लंब बटे कर्ण, अब देखते हैं सवाल थोड़ा देख लेते हैं, देखो यहाँ पर जो है सी है, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर सी है, अब देखो ये सी पूछ रहा है हमको डाउट बुझा रहा था, ठीक है, अब देखो साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, अब देखो सी पूछ रहा है तो लंब बटे कर्ण होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण √3/2 क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा,
तो परपेंडिकुलर व हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये है तो ऐसे भी कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मन है। अब देखो रूट थ्री गुना वन करेंगे तो रूट थ्री आ जाएगा, रूट थ्री। अब देखो दो गुना दो करेंगे तो चार हो जाएगा। अब देखो माइनस है तो यहाँ माइनस थोड़ा ठीक से लिखते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखो वन गुना रूट थ्री तो रूट थ्री, ठीक है। अब यहाँ पर दो दोनों चार, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है क्या करना है, यहाँ पर तो कुछ नहीं करना। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में ये कट भी जाएगा तो एलसीएम भी लीजिएगा तो जीरो आएगा, तो इसका आंसर जीरो कोई निकाल सकता है। आप इसी तरह बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, जो भी अभी तक वीडियो मेरा देख रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुनून और जोश के साथ बताया जाता है, और अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, और अच्छा अच्छी तरीके से समझ में आए तो दोस्तों में शेयर करें, एक दोस्तों को बताएं, और घर घर तक पहुंचाना है इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत।